ओम शांति। भाग्यवान आत्माओं को ये सुंदर संगम युग प्राप्त हुआ है जिसमें भगवान सामने है, भाग्य लेकर हमारे द्वार पर खड़ा है, हमारा आह्वान कर रहा है, हमें प्यार दे रहा है, अपनापन दे रहा है, जिसको हम ढूंढते थे, जिसके क्षणिक दर्शनों के लिए तरसते थे, जिसे छोटी छोटी चीजें मांगते रहते थे और हमें पता भी नहीं होता था कि जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा भी क्या, वो अब हमें भरपूर करने के लिए, जन्म जन्म सुखी बनाने के लिए हमारे सामने आ गया है, अपनी ओर से दे रहा है, हमें मांगने की जरूरत भी नहीं, यहाँ शक्तियां भी दे रहा है, संपूर्ण सुख शांति भी दे रहा है, सर्व खजाने दे रहा है, वरदान दे रहा है और भविष्य के लिए तो न जाने क्या क्या लेकर आ गया है, उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। इतना अथाह धन संपदा हमारे पास होगी कि वैश्यवंशी और शूद्रवंशी भी उससे पलते रहेंगे, सारा संसार पलेगा। आप जानते हैं विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए भारत से धन संपदा लूटने के लिए और लेते गए और भारत भरपूर ही रहा। तो इतनी अथाह धन संपदा देने, स्वयं भगवान हमारे द्वार पर स्थित है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ उलझे हैं, क्या अपने मन को शांत किया है, क्या इस भगवान को पाकर ईश्वरीय सुखों से स्वयं को भरपूर किया है, कहाँ उलझे हैं आप। जहाँ उलझे हैं वहाँ तो आपको उलझना शोभा ही नहीं देता, वहाँ तो बहुत निम्न कोटि की आत्माएं उलझा करती हैं। निकलो और अपने महान कर्तव्य को पहचानो। तुम्हें संसार को जगाना है, तुम्हें संसार में सुख शांति की लहरें फैलानी है। अनेक मनुष्य संसार में दुखी होकर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तुम्हें उनके आंसू पोंछने हैं, तुम्हारा जीवन रोने के लिए नहीं। मात्र शक्ति तुम्हारा जीवन आंसू बहाने के लिए नहीं, तुम्हें तो रोतों को हंसाना है, तुम्हें तो सबको बल देना है। अपने को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम महान कुल के वंशज हो, तुम भगवान की संतान हो, तुम अपने परम कर्तव्यों को पहचानो, चिंतन करो, मेरा ये जन्म किस किस महान कार्य के लिए हुआ है। स्वयं भगवान ने जन्म दिया, जन्म देते ही उसने शक्तियां वरदान दिए, जन्म देते ही श्रेष्ठ भाग्य लिख दिया, ईश्वरीय ज्ञान का खजाना दिया। भगवान ने जन्म दिया, उसने ही पूरा जीवन पालना की। अब जिस कार्य के लिए उसने हमारा श्रृंगार किया है, हमें महानताओं से भरा है, हमें बस वही करना है, बाकी व्यर्थ की चीजों की ओर जरा भी ध्यान नहीं देना है। तो हे बुद्धिमान रूहों, कहीं भी आपस में भी उलझना, आपस में उलझना उचित नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातों में यदि आप उलझते हैं, टकराते हैं, घबराते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करते हैं तो ये समझदारी नहीं है। इनसे बाहर निकल जाओ, आ जाओ अपने स्वमान की महान स्टेज पर और संसार को बहुत कुछ देने के लिए स्वयं को तैयार करो। तो आज सारा दिन सभी झंझटों से मुक्त, ऊपर साक्षी भाव में स्थित स्वमान में रहेंगे। मैं पूर्वज हूँ संसार की पालना करने वाली महान आत्मा, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। इस ग्रेट एंड गुड फीलिंग में रहते हुए ग्लोब के ऊपर बैठेंगे, अभ्यास करेंगे, बाबा से रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और ये चारों ओर फैल रही हैं।
पूरे कल्प वृक्ष में जा रही हैं, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है और सबकी पालना कर रही हैं। ओम शांति।